Hi, welcome to my channel. In this video, I have another question, another topic, another concept, and in this video, we will discuss. Let's begin. Today's topic, how can I relate fx equal x square as y equal x square? कुछ जगह पर एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर लिखा होता है, इसका क्या मतलब है? फंक्शन ऑफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर. ओके, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर. और इसी को कहीं कहीं पर वाई इक्वल एक्स स्क्वायर लिखा होता है. मेरा क्वेश्चन है, ये वाई कहाँ से आया? एफ एक्स को वाई क्यों लिखा गया? और इस पॉइंट पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे. ओके, नाउ सपोज इनपुट है हमारे पास. देखो इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है. किसी फंक्शन में हम कोई वैल्यूज देते हैं. अब जैसे हमारा ये फंक्शन है, मैंने यहाँ पर लिखा एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर. ओके, इनपुट का क्या मतलब है कि हम एक्स की वैल्यूज पुट करें. एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एफ एक्स इज डिपेंडेंट. एफ एक्स एक्स स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, यानी एफ एक्स एक्स पर डिपेंड कर रहा है बेसिकली. और एक्स इज इंडिपेंडेंट, एक्स में हम कुछ भी पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जो पुट कर दिया फिर सोल्व होकर जो हमें मिलेगा वो होगा हमारा आउटपुट. तो इनपुट बेसिकली क्या होता है? इंडिपेंडेंट. ओके, और आउटपुट जो फंक्शन में हम इनपुट देते हैं और हमें जो वैल्यू निकल कर आती है, वैल्यू मिलती है हमें, वो होता है आउटपुट. नाउ सपोज इनपुट है हमारा पूरी रियल लाइन. ओके, पूरी रियल लाइन हमने सपोज कर लिया हमारा इनपुट है. लेट्स ड्रॉ ए रियल लाइन. दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी. ओके, यहाँ हम लोगों को सारे नंबर्स को ड्रॉ करना है. ये हमारी रियल लाइन है और इसमें हम सभी नंबर्स को ड्रॉ कर रहे हैं. मेन मेन नंबर्स को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं. इस तरीके से हमने एक रियल लाइन को ड्रॉ करा और उस पर नंबर्स को प्लॉट कर लिया. ओके, 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3 और -0. उसके बाद इधर +1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू प्लस इन्फिनिटी. एंड यहाँ पर लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 अप टू -∞. यहाँ पर अब सपोज कर सकते हो कि सब प्रकार के नंबर लिखे हुए, लाइक रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सब नंबर्स. ओके, नेचुरल नंबर तो यहाँ पर ड्रो है, इंटीजर्स, तो सब प्रकार के नंबर्स हैं. और सबके सब नंबर्स हमने पूरा रियल नंबर्स, ओके, पूरी रियल लाइन हमने इनपुट सपोज कर लिया. ओके, नाउ हमारा डिस्कशन क्या है? हमारा डिस्कशन, हमको थोड़ा रिमाइंड करना चाहिए कि हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर को कई बार इस तरीके से क्यों लिखा जाता है, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर. ये एफ एक्स को वाई क्यों लिख दिया जाता है, हमारा डिस्कशन ये है. ओके, हमने इनपुट लिया 3. ओके, एक्स इज इक्वल 3 मैंने इनपुट ले लिया. ओके, अब मैं एक्स इक्वल 3 फंक्शन में दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? एफ ऑफ 3 इक्वल 3 का स्क्वायर 9. इनपुट मेरा क्या है? 3. आउटपुट मेरा है 9. इनपुट मैंने दिया, जो मैंने नंबर दिया वो इनपुट, फंक्शन में डालने पर जो मेरे पास वैल्यू आई वो है मेरा आउटपुट और वो है 9. सपोज हम 2 पर वैल्यू देखना चाहते हैं तो मैंने क्या किया? x इक्वल टू फंक्शन में डाला और मुझे मिला 2 का स्क्वायर 4. x इक्वल टू फंक्शन में डालने पर मुझे 4 मिला. ओके, मैंने इनपुट दिया 2, आउटपुट मुझे मिला 4. ओके, तो ये मेरा इनपुट, ये मेरा हुआ आउटपुट. सपोज मैंने x इक्वल -3 डाल दिया तो मुझे फंक्शन ऑफ -3 क्या मिला? -3 का स्क्वायर, और ये मुझे क्या मिलेगा? 9 मिलेगा. मेरा इनपुट है -3, आउटपुट मुझे 9 ही मिल गया वापस. तो अब ये जो फंक्शन ऑफ 3, एफ ऑफ 3 मुझे 9 मिल रहा है, क्योंकि 3 जो है ये तो हमारे सारे रियल लाइन पर लाई कर रहे हैं. ओके, ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस. ओके, तो ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं कि हमारे रियल लाइन पर लाई कर रहे हैं सारे इनपुट. तो फिर ये जो फंक्शन ऑफ 3 मुझे जो आउटपुट मिल रहा है 9, जैसे यहाँ पर फंक्शन ऑफ 2 मुझे आउटपुट मिल रहा है 4, फंक्शन ऑफ -3 इज इक्वल्स टू मुझे 9 मिल रहा है. तो ये जो सब आउटपुट आ रहे हैं ये कहाँ लाई कर रहे हैं, ये कहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे? अब जो प्रॉब्लम है वो क्या है, जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो हम कौन सी एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें? अगर ये जो हमें 9 मिला है, ये जो हमें 4 मिला है, चलो पहले हम 9 की बात करते हैं. फंक्शन ऑफ 3, एफ में 3 रखने पर मुझे जो 9 मिला है, अगर मैं इस 9 को
इसी एक्सिस पर दिखाने लग जाऊं, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां पर मैंने 9 कर लिया, सपोज ये मेरा 9 है और ये 9 आउटपुट वाला है, ओके आउटपुट के लिए अलग से नंबर चाहिए, ओके तो ये जो मुझे आउटपुट मिल रहा है 9, अगर मैं इसी लाइन पर वापस इस 9 को शो कर दूं तो फिर यहां पर तो कुछ समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, हमें पता नहीं लगेगा कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, एकदम भूकंप आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि हम इनपुट भी इसी रियल लाइन से ले रहे हैं और आउटपुट भी वापस इसी में डाल रहे हैं, तो ये तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता ना, जहां से हम इनपुट ले रहे हैं वहां हम आउटपुट देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर क्वेश्चन मेरा ये है कि फिर हम कहां दें, आउटपुट को कहां रिप्रेजेंट करें, ओके तो वो सोचने वाली बात है कि हम इनपुट से आउटपुट मिलने पर जो हमें आउटपुट मिला है उसे हम कहां रिप्रेजेंट करें। अब ये आउटपुट एक ही नंबर नहीं है, यहां से मुझे 4 मिला, फिर 9 मिला, F4 रखने पर मुझे F4 रखने पर 16 मिलेगा, तो जो प्रत्येक रियल लाइन में इनपुट है उसे हम फंक्शन में डालेंगे, तो फंक्शन में डालने पर हमें प्रत्येक इनपुट के लिए एक आउटपुट मिलेगा, तो हमें बहुत बड़ी एक और एक्सेस चाहिए बेसिकली। नाउ यहाँ पर एक बात कंफर्म हो जाती है कि आने वाले जो हमारे आउटपुट है उनको शो करने के लिए हम दोबारा इस एक्सेस का यूज नहीं कर सकते, ओके ये बात हमारी कंफर्म हो गई है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम एक नया एक्सेस लाएंगे जिसे हम बोलेंगे वाई एक्सेस, और ये रहा हमारा वाई एक्सेस। इस तरीके से हमने एक लाइन को ड्रॉ किया बिल्कुल एक्स एक्सिस के वर्टिकल, और ये भी आप मानोगे नहीं ये भी एक रियल लाइन है, लेकिन ये रियल लाइन वर्टिकल है, और वर्टिकल है इसलिए हमने इसको वाई एक्सिस दे दिया, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस पहले से है, हॉरिजॉन्टली हमारे पास एक रियल लाइन है, तो हमने एक रियल लाइन को लिया वर्टिकली और उसे ही हम नेम दे रहे हैं अपनी तरफ से वाई, ओके तो ये है माइनस इन्फिनिटी, ऊपर है प्लस इन्फिनिटी, ओके उसी तरीके से यहां पर हम नंबर्स को ड्रॉ कर लेते हैं, 1 अप टू इन्फिनिटी, -1, और अब हम इस ग्रीन एक्सिस का यूज करेंगे आउटपुट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहां पर जो ये रियल लाइन वाई एक्सिस है सब नंबर्स को हमने ड्रॉ कर लिया है जिस तरीके से हमने हॉरिजॉन्टली एक्सिस में ड्रॉ किए थे, ओके तो ये है हमारा जो हॉरिजॉन्टली एक्सिस है वो है इनपुट के लिए, और जो हमने वर्टिकल बनाया है ये है आउटपुट वैल्यूज के लिए। तो हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही थी एक्चुअली, जो हम इनपुट दे रहे थे उससे जो फंक्शन में रखने पर हमें जो वैल्यू मिल रही थी यानी आउटपुट हमें मिल रहा था उसे हम कहां रिप्रेजेंट करें, तो ये जो 9 है अब हम आराम से यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आउटपुट को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, f(x = 3) पर मुझे आउटपुट कहां मिलेगा, 9 मिलेगा, तो यहां पर कोई पॉइंट मुझे मिल गया और ये कौन सा पॉइंट है, 3, 9, ओके नाउ f(2) मुझे 4 मिला है, तो ये 2 है मेरा कुछ और 4 मुझे यहां कुछ मिलेगा, यहां कुछ 4 मिलेगा, f(-3, -3) नाउ -3 ये रहा मेरा और 9 मुझे कुछ यहां पर मिलेगा। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इन सारी आउटपुट वैल्यूज को आराम से एक न्यू एक्सिस लेकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने वैल्यूज को दिखाया। नाउ जब तक मेरे पास एक सेपरेट एक्सिस नहीं है रिप्रेजेंटेशन विल बिकम मोर डिफिकल्ट, राइट। सो क्लियरली वाई एक्सिस हेल्प्स मी इन रिप्रेजेंटिंग माई आउटपुट वैल्यूज। तो फिर जो हम लोग fx = x² दिखाते हैं, fx = x² को हम क्या दिखाते हैं, y = x² कई बार लिखा होता है बुक्स में, अगर आप इसे y = x² लिखोगे तो ये जो y है ये बस एक रिप्रेजेंटेशन एक्सिस है, एंड दैट इज द रीजन why वी राइट y = x², और इसीलिए हम fx को y लिखते हैं। अब इतना तो हम लोग समझ चुके हैं कि fx = x² को हम रिलेट कर सकते हैं y = x² से, लेकिन अब हमें यह देखना है कि y = x² का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, इतना हम कर ही चुके हैं तो क्यों ना हम ग्राफ ड्रॉ कर लें। y = x² क्या है, एक पैराबोला का इक्वेशन है, तो कुछ आउटपुट वैल्यूज मुझे मिल रही थी बिल्कुल गलत पाथ पर, ओके जो कि नहीं मिलनी चाहिए। y = x² कैसा दिखता है, अगर मैं x = 1 यहां पर पुट करूं तो मुझे आउटपुट भी 1 मिलेगा, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, और 2 पर मुझे फिर थोड़ा
ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, टू पर मुझे थोड़ा ऊपर मिलेगा, फोर थ्री पर नाइन, तो ये इस तरीके से कुछ जाएगा। डॉट से डॉट तो हम नहीं मिला सकते, यहाँ पर गलत हो जाएगा हमारा। और ये जो ब्लैक लाइन है ये इस तरीके से जाएगी, ओके, एकदम ऐसे राउंडेड होकर। यहाँ पर सेम ऐसे ही चलेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो नेगेटिव इनपुट भी दोगे फिर भी आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव आउटपुट ही मिलेगा, तो आउटपुट हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो ये कुछ ग्राफ बना है वाई इक्वल एक्स स्क्वायर का। तो अब हम कह सकते हैं कि हम एफ एक्स को वाई लिख सकते हैं। और ये तो था वन वेरिएबल फंक्शन, नाउ टू वेरिएबल फंक्शन को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। अब अगर हमारा फंक्शन हो जाए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दो वेरिएबल में फंक्शन आ जाए, यहां पर एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ चला जाएगा, जेड एक्सिस। हमें रिप्रेजेंटेशन के लिए, आउटपुट वैल्यूज के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें कौन सा एक्सिस यूज करना पड़ेगा, जेड एक्सिस। नाउ हमारा फंक्शन हो गया टू वेरिएबल का, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ओके, वेयर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने पर इस फंक्शन में, कोई भी फंक्शन हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, आई डोंट नो क्या है ये, बस मैंने ऐसे ही सपोज कर लिया। तो एफ ऑफ एक्स वाई जो भी हमें सोल्व करने पर मिलेगा, तो वो जो आउटपुट वैल्यूज आएंगी उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया जेड से, तो जो भी आउटपुट वैल्यूज आएगी उसको मैं जेड एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दूंगी। जैसे हमने वन वेरिएबल के लिए किया, वैसे हम टू वेरिएबल के लिए भी इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। कई बार फंक्शन ऑफ एक्स वाई कैसा दिखता है, ऐसे ही मैंने सपोज कर लिया फंक्शन ऑफ एक्स वाई हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब कई बार इसे लिखा होता है जेड इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये लिखने का मतलब यही है कि इस फंक्शन में एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो और जो आउटपुट हमें मिलेगा वो हम जेड एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इक्वल में जेड लिखने का मतलब ये है। नाउ ये एक टू डायमेंशनल फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो ये एक टू डायमेंशनल फंक्शन है। बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं कि इसका आउटपुट हमें कहाँ मिलेगा, थ्री डी में मिलेगा। मतलब एक टू डायमेंशनल फंक्शन का आउटपुट हम कहाँ देखेंगे, ऑब्वियस बात है थ्री डी में देखेंगे। लेट्स ड्रॉ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री थ्री डी। ये है जेड एक्सिस, ये माइनस जेड, ये है एक्स एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स, ये है वाई एक्सिस और ये है माइनस वाई, ओके। तो ये हमारा कुछ थ्री डी टाइप लग रहा है। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो इनपुट होगा वो तो एक प्लेन में होगा ना, क्योंकि एक्स वाई, तो इनपुट हमें एक्स वाई प्लेन में मिल रहा होगा। जो हमारे वेरिएबल है वो एक्स और वाई है, फ्लैट ले लिया मैंने डोमेन, ओके, ऑब्वियस बात है यही होता है, ये मेरा डोमेन है। यहाँ पर कुछ इनपुट्स मैंने लिख दिए, डोमेन क्या होता है, इनपुट ही तो होते हैं जो फंक्शन में हम वैल्यूज को डालते हैं। तो ये मेरे कुछ इनपुट्स जिनको मैं यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देती हूँ जो आपको दिख जाए ना, इस तरीके से ये ड्रॉ हो गए हैं। बहुत सारे ये मैंने इनपुट्स ड्रॉ कर लिए हैं थ्री डी में, जो कि एक फ्लैट पर पड़े हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसका आउटपुट कहाँ मिलेगा, ऑब्वियस बात है थ्री डी में मिलेगा। तो थ्री डी में किस तरीके से मिलेगा, कुछ हवा में झूलते हुए हमें आउटपुट्स मिलेंगे। जैसे देखो यहां पर कुछ जैसे इस तरीके से जेड एक्सिस पर, बेसिकली मैं कहना चाह रही हूँ कि जेड एक्सिस हमारा कहाँ होता है, ये होता है एक्स एक्सिस, वर्टिकल होता है वाई एक्सिस, जो आगे की तरफ होता है हवा में होता है वो कौन सा होता है, जेड एक्सिस होता है। तो हमें आउटपुट भी कुछ इस तरीके से मिलेंगे हवा में। तो इन सब इनपुट के लिए हमारे पास जो आउटपुट है, जो हमने डोमेन फंक्शन में दी वैल्यूज, डोमेन में से फंक्शन में जो वैल्यूज दी वो हमें कुछ इस तरीके से मिल गई आउटपुट के रूप में, ओके। तो ये प्रत्येक इनपुट के लिए हमें एक आउटपुट मिल गया, आप देख सकते हो, ये प्रत्येक इनपुट के लिए आउटपुट है। नाउ ये हमारा फंक्शन कैसा दिखता है, जेड इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, होप ऐसा चला जाए। देखो कि हमें किस तरीके से आउटपुट्स मिल रहे हैं, तो ये आउटपुट वैल्यूज को कलेक्ट कर लेगा, ओके।
ये हमारा कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो गया। मैं नहीं कह रही कि ये बिल्कुल सही है, बट जो सपोज किया है हमने, बस सपोज किया कि कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट वैल्यूज मिलती है। और आप मानोगे नहीं, यही फंक्शन होता है जेड इक्वल एफ एक्स वाई। जो हमें आउटपुट मिला, जो हमें फंक्शन ऑफ एक्स वाई मिला, वो क्या है, उसे हम कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेड एक्सिस पर। तो ये जेड है, वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे वाई इक्वल एक्स स्क्वायर या फिर वाई इक्वल एफ एक्स में वाई किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, वाई एक्सिस को, क्योंकि वहां पर वन वेरिएबल फंक्शन था, यहां पर टू वेरिएबल है। तो अब जो आउटपुट थ्री डी में चले जाएंगे, और इसीलिए हम लोग एफ एक्स को वाई लिख सकते हैं और एफ ऑफ एक्स वाई को जेड लिख सकते हैं। That is it for today. Thanks for watching. Bye. We'll see you guys in the next video.